Hello students, I am Pari Singhal. Today in this video we will discuss about empirical formula and molecular formula. Empirical formula मतलब मूलानुपाती सूत्र, molecular formula मतलब अणु सूत्र. तो इन दोनों सूत्रों को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे. सो हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनके हेल्प से हम मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र कैलकुलेट कर सकते हैं. कौन कौन से हैं वो सूत्र, लेट्स सी ऑन द बोर्ड. फॉर्मूला नंबर वन, अणु सूत्र इक्वल्स टू मूलानुपाती सूत्र की पावर होल एन. ठीक है, अगर आपके पास मूलानुपाती सूत्र है उसकी पावर होल एन और आप एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो तो आपके पास अणु सूत्र आ जाएगा. यानी अगर आपको अणु सूत्र निकालना है सबसे पहले आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना होगा और एन की वैल्यू निकालनी होगी. अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आप अणु सूत्र कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर जो एन है स्मॉल एन, ये कैसे निकालोगे? इसके लिए हमारे पास है फॉर्मूला नंबर टू, स्मॉल एन इक्वल्स टू अनुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्र भार. ठीक है, एन कैसे निकालोगे? ऊपर आप अनुभार की वैल्यू रखोगे जो आपको क्वेश्चन में दी गई होगी. ठीक है, और नीचे आप क्या करोगे? मूलानुपाती सूत्र भार रखोगे. जब आप मूलानुपाती सूत्र निकालोगे तो उसकी हेल्प से आप मूलानुपाती सूत्र भार निकालोगे. ठीक है, तो नीचे क्या वैल्यू रखोगे? मूलानुपाती सूत्र भार. फॉर्मूला नंबर थर्ड, अनुभार बराबर दो गुना वाष्प घनत्व. अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें डायरेक्टली आपको अनुभार की वैल्यू दी होगी, मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू दे रखी होगी. लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको अनुभार की वैल्यू ना देके वाष्प घनत्व की वैल्यू दी होगी. तो उस केस में पहले आप अनुभार निकालोगे. कैसे? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, अनुभार बराबर टू मल्टीप्लाई वाष्प घनत्व. यानी अगर आप वाष्प घनत्व को टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा? अनुभार. इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द टॉपिक. ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक में C इक्वल्स टू 52.18% H इक्वल्स टू 13.0% तथा शेष ऑक्सीजन है, इसका वाष्प घनत्व 23 है, यौगिक का अनुभार ज्ञात कीजिए. क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन में हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया गया है और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है और इसमें कहा गया है शेष कितना है? ऑक्सीजन है. ठीक है, इसका वाष्प घनत्व 23 है, हमें क्या निकालना है? अणु सूत्र निकालना है. सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए हमें एक टेबल बनानी होती है. तो पहले हम वो टेबल बना लेंगे. सबसे पहले हम तत्व लिखेंगे, कौन कौन से तत्व हमें गिवन है, उसके बाद परमाणु भार, उसके बाद प्रतिशतता, कितना परसेंट है वो तत्व, नेक्स्ट प्रतिशतता अपॉन परमाणु भार, इनका रेशियो निकालना है, किसका? प्रतिशतता और परमाणु भार का. और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा सरल अनुपात, सरल अनुपात, सिंपल रेशियो. ठीक है, अगर आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना है तो आपको पहले ये टेबल ड्रॉ करनी होगी. ठीक है, सबसे पहले तत्व, फिर तत्वों का परमाणु भार उनके सामने लिखना है, फिर प्रतिशतता, किस तत्व की क्या प्रतिशतता है, उसके बाद प्रतिशतता अपॉन परमाणु भार का रेशियो निकालना है, और लास्ट में हमें क्या निकालना है? सरल अनुपात. तत्व कौन कौन से हैं यहां पर? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन तत्व हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और शेष ऑक्सीजन है. अब स्टूडेंट्स यहां पर जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो हमें गिवन नहीं है. ठीक है,
बस ये बोला गया है कि स्टेज ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लो। कैसे निकालोगे? देखिए ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, टोटल जो हमारा सैंपल है वो कितना है, 100%, है ना। यानी 100 में से अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का परसेंटेज ऐड करके माइनस कर दें तो हमारे पास ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 100 माइनस किसका परसेंटेज माइनस करना है, कार्बन हाइड्रोजन का ऐड करके। कार्बन का कितना है 52.18 प्लस हाइड्रोजन का कितना है 13.04, ठीक है। इन दोनों का ऐड कर दिया, 100 में से माइनस कर दिया, तो हमारा किसका परसेंटेज देगा, ऑक्सीजन का। जब आप कैलकुलेट करोगे 100 में से 52.18 प्लस 13.04 को ऐड करके 100 से माइनस करोगे तो हमारा आ जाएगा 34.78, कितना आ जाएगा 34.78। यानी ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना आ गया 34.78। अब आप वैल्यूज पुट करो, C का परमाणु नंबर होता है 12, H का होता है 1, O का कितना होता है 16, ठीक है। आप क्या करेंगे, हर तत्व के सामने उनकी प्रतिशतता लिखेंगे कितनी है। कार्बन की प्रतिशतता 52.18%, हाइड्रोजन की प्रतिशतता 13.04%, और लास्ट में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी आई है 34.78%। जो हमने कैसे निकाली है, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के परसेंटेज ऐड करके 100 में से माइनस करके। एवरी टाइम आप ऐसे निकालोगे अगर आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन नहीं है। अगर गिवन है तो निकालने की जरूरत नहीं है, बट अगर गिवन नहीं है तो जो भी तत्व आपको दिए गए हैं उनकी ऐड करके 100 में से माइनस कर देना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें डिवाइड करना है प्रतिशतता अपॉन परमाणु भार, ठीक है। प्रतिशतता कार्बन की कितनी है 52.18, कार्बन का परमाणु भार कितना है 12, दोनों को डिवाइड कर दो। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 4.34, कितना जाएगा 4.34। नेक्स्ट हाइड्रोजन की प्रतिशतता 13.04, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, यह जाएगा 13.04, ठीक है। लास्ट में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी है 34.78 डिवाइड बाय परमाणु भार ऑक्सीजन का 16, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 16 से 34.78 को डिवाइड करोगे तो आपका जाएगा 2.17। डिवाइड करके देखना, खुद से कैलकुलेट करना कितना जाएगा 2.17। अब क्या करना है, आगे आपको क्या करना है, देखिए आगे ये करना है। यहां पर तीन नंबर आ गए हमारे पास, कार्बन का आया 4.34, हाइड्रोजन का आ गया 13.04, ऑक्सीजन का आ गया 2.17, तीन नंबर आ गए। अब इनमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहां पर 2.17, देख रहे ना, सबसे छोटा नंबर है 2.17, इन तीनों में से करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अगर आपको सरल अनुपात निकालना है तो सबसे छोटे नंबर से इन तीनों ही नंबर्स को डिवाइड करना है। सबसे पहले इनमें से सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट कर लो, फिर उस सबसे छोटे नंबर से इन तीनों ही नंबर्स को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। करते हैं, यहां पे आया 4.34 डिवाइड बाय सबसे छोटा नंबर 2.17, ठीक है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 2.17 से जब आप 4.34 को डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 2। इसी तरह से अब हाइड्रोजन का कितना था 13.04, डिवाइड किससे करना है, सबसे छोटे नंबर से 2.17, यहां पर आ जाएगा 6। 2.17 से जब आप डिवाइड करोगे 13.04 को कितना जाएगा 6, और लास्ट में ऑक्सीजन का 2.17, इसको 2.17 से ही डिवाइड करना है तो हमारा कितना जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से सरल अनुपात आ गया, सिंपल रेशो आ गया, कार्बन का 2, हाइड्रोजन का 6, ऑक्सीजन का 1, ठीक है। अब यहां से हमें हमारा
एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी मूलानुपातिक सूत्र मिल गया है। ठीक है, कैसे? कार्बन का कितना आया? 2, तो सी हो गया हमारा 2। हाइड्रोजन का कितना आया? 6, तो एच हो गया हमारा 6। ओ का कितना आया सरल अनुपात? 1, यानी ओ हमारा हो गया 1। तो हमारा ये जो फॉर्मूला आया है C2H6O1, 1 को आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? C2H6O। ये जो C2H6O है यही क्या है? हमारा मूलानुपाती सूत्र। क्या है ये? हमारा मूलानुपाती सूत्र। अब क्या करना है? मूलानुपाती सूत्र तो आ गया C2H6O, अब हमें निकालना है अणुसूत्र। ठीक है, अणुसूत्र। अब अणुसूत्र निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सबसे पहले स्टार्टिंग में, अणुसूत्र इक्वल्स टू मूलानुपाती सूत्र की पावर होल एन। अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र की पावर होल एन, ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, अब हमारे पास मूलानुपाती सूत्र आ गया है C2H6O। मूलानुपाती सूत्र क्या आया था हमारा? C2H6O, राइट। तो अगर इसकी पावर होल n है तो सबसे पहले हमें n की वैल्यू चाहिए, है ना। यहां से अगर मैं मूलानुपाती सूत्र की वैल्यू रख दूं C2H6O, इसकी वैल्यू रख दी, इसकी पावर होल n। ठीक है, तो पहले n की वैल्यू चाहिएगी हमें, तब n की वैल्यू होगी तभी तो हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है? n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब n की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसके लिए फॉर्मूला था n इक्वल्स टू अनुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्र भार। n बराबर क्या था? अनुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्र भार, ये हमारा n का फॉर्मूला था। यही था। तो पहले आप अनुभार निकाल लो। देखो, अगर आपको अनुभार दिया गया है तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लो, लेकिन अगर आपको यहां पर इस क्वेश्चन में क्या दिया है? वाष्प घनत्व दिया गया है, अनुभार नहीं दिया गया। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अनुभार बराबर अनुभार इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई वाष्प घनत्व, 2 मल्टीप्लाई वाष्प घनत्व, एक फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, तो अगर आप वाष्प घनत्व को 2 से मल्टीप्लाई करोगे अनुभार आ जाएगा। वाष्प घनत्व कितना है हमारा? 23। तो अनुभार बराबर क्या हो जाएगा? अनुभार बराबर 2 × 23, वाष्प घनत्व की वैल्यू कितनी है? 23। तो अनुभार कितना आ गया? 46, 46। कितना आ गया अनुभार हमारा? 46। तो अब आपको अनुभार की वैल्यू मिल गई 46। ठीक है, नीचे क्या है? मूलानुपाती सूत्र भार, तो ये भी निकाल लो। मूलानुपाती सूत्र कितना है? C2H6O। ठीक है, अब इसका भार निकालते हैं। मूलानुपाती सूत्र भार, C2H6O, कार्बन का परमाणु भार 12। ठीक है, नीचे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस लगाओगे H6 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है? 1, प्लस O का परमाणु भार कितना है? 16। ये आ गया 24 प्लस 6 प्लस 16, कितना आ गया ये? 46। तो आपका मूलानुपाती सूत्र भार कितना आ गया? 46। अब यहां से n की वैल्यू क्या है? n बराबर अनुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्र भार। ठीक है, तो अनुभार और मूलानुपाती सूत्र भार को डिवाइड कर दीजिए। अनुभार कितना आया है? 46। मूलानुपाती सूत्र भार कितना है? 46। 46/46 इक्वल्स टू 1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, अब n की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो अब हमें क्या निकालना था? अणुसूत्र। अणुसूत्र निकाल लेंगे। अणुसूत्र का फॉर्मूला, अणुसूत्र बराबर
मूलानुपाती सूत्र की पावर होल एन। मूलानुपाती सूत्र क्या आया था, सी टू एच सिक्स ओ। एन की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, वन। वन से मल्टीप्लाई करोगे सेम रहेगा, सी टू एच सिक्स ओ, यानी अनुसूत्र भी हमारा सेम आया क्योंकि बाहर वैल्यू वन है। अगर बाहर टू होता तो टू से अंदर मल्टीप्लाई जाता, लेकिन यहां बाहर वन है तो वन से मल्टीप्लाई करोगे सेम वैल्यू रहेगी, सी टू एच सिक्स ओ। तो इन दिस वे हमारा अनुसूत्र क्या आ गया, सी टू एच सिक्स ओ। यही हमारा मूलानुपाती सूत्र भी था, लेकिन जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। अगर कहीं पर एन की वैल्यू टू आई तो आप यहाँ पर टू पुट करोगे और फिर उससे अंदर मल्टीप्लाई करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपका अनुसूत्र आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और इजीली ये टॉपिक समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर टू हमारा है, एक कार्बनिक यौगिक में C इक्वल्स टू 20%, हाइड्रोजन इक्वल्स टू 6.66%, N इक्वल्स टू, इस बार इसमें नाइट्रोजन भी दिया गया है, N इक्वल्स टू 46.66% तथा शेष ऑक्सीजन है। यानी इस बार कार्बनिक यौगिक में चार तत्व हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, चार तत्व हैं। इस यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है, वाष्प घनत्व दिया गया है 30। यौगिक का अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इस बार हमारे पास चार तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का परसेंटेज ऐड करोगे, 100 में से माइनस करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन दैट इज 20%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 6.66, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 46.66। तीनों को ऐड कर दिया हमने, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तीनों के परसेंटेज को ऐड किया, 100 में से माइनस किया, यह जाएगा 26.68%। जब आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो कितना जाएगा, 26.68%। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमारे पास चार तत्व हैं, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर मैं नाइट्रोजन और मेंशन कर देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया है, कितना आया है, 26.68, वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 26.68%। मैं इसको अलग कर देती हूँ। कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14। ठीक है, कार्बन की प्रतिशतता कितनी है, 20%, हाइड्रोजन की है 6.66%, ऑक्सीजन की हमने लिखी दी है निकाल के, नाइट्रोजन की हमें दी गई है 46.66%। चारों ही तत्वों की प्रतिशतता हमने मेंशन कर दी है। अब हमें रेशो निकालना है प्रतिशतता अपॉन परमाणु भार का। कार्बन की प्रतिशतता 12, परमाणु भार, सॉरी, कार्बन की प्रतिशतता 20, परमाणु भार कार्बन का है 12। ठीक है, डिवाइड करोगे यह जाएगा 1.66, कितना जाएगा 1.66। नेक्स्ट 6.66 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू कितना जाएगा 6.66। ठीक है, नेक्स्ट 26.68, ऑप्शन की प्रतिशतता आई थी 26.68, परमाणु भार 16। ठीक है, 16 से जो आप डिवाइड करोगे 26.68 को कितना जाएगा 1.66, कितना जाएगा 1.66। लास्ट में 46.66 डिवाइड किससे करना है, 14 से, ये आपका आ जाएगा 3.33, कितना जाएगा 3.33। ठीक है, अब सबसे लास्ट में हमें क्या निकालना है, सरल अनुपात, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन चारों नंबर
सबसे छोटा नंबर होगा उससे इन चारों नंबर्स को डिवाइड करोगे तो आपका सरल अनुपात आ जाएगा। यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है वो 1.66 है, जो दो बार आ रहा है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, और दोनों ही सबसे छोटे नंबर है। ठीक है, तो 1.66 से हम क्या करेंगे, चारों नंबर को डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा सरल अनुपात आ जाए। 1.66 डिवाइड बाय 1.66 इक्वल्स टू 1। 6.66 डिवाइड बाय 1.66 कितना जाएगा, जब आप 1.66 से 6.66 को डिवाइड करोगे यह जाएगा आपका 4। कितना जाएगा 4। ठीक है, आगे 1.66 डिवाइड बाय 1.66 इक्वल टू 1। ठीक है, और लास्ट में 3.33 डिवाइड बाय 1.66 इक्वल्स टू 2। ठीक है, कितना जाएगा 2। तो इस तरह से कार्बन का रेशियो आ गया 1, हाइड्रोजन का रेशियो आ गया 4, ऑक्सीजन का रेशियो आ गया 1 और एन का रेशियो आ गया 2। यानी फॉर्मूला हमारा बन गया C1H4, देन O है 1, O1 और N2। ठीक है ना, C आया 1, H आया 4, O आया हमारा 1 और N आया 2। फॉर्मूला बन गया C1H4O1N2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया मूलानुपातिक सूत्र। क्या आ गया, ये मूलानुपातिक सूत्र। अब इस मूलानुपातिक सूत्र से आप क्या निकालोगे, अनुसूत्र। ठीक है, मैं इसको रख कर देती हूं, फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देती हूं, C1H4O1N2। ये हमारा मूलानुपातिक सूत्र आ गया बाय द हेल्प ऑफ दिस टेबल। ठीक है, अब हमें निकालना है अनुसूत्र। अनुसूत्र निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अनुसूत्र बराबर मूलानुपातिक सूत्र की पावर होल एन, और मूलानुपातिक सूत्र हमारे पास आ गया है बट हमारे पास एन की वैल्यू नहीं है, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, एन की वैल्यू निकालोगे। अनुसूत्र बराबर मूलानुपातिक सूत्र की पावर होल एन, एन बराबर क्या होता है, अनुभार अपॉन मूलानुपातिक सूत्र भार। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, अनुभार निकालना है और मूलानुपातिक सूत्र भार निकालना है ताकि एन की वैल्यू आ जाए। हमें यहां पर वाष्प घनत्व दिया गया है, एक फॉर्मूला हमारे पास है अनुभार बराबर 2 × वाष्प घनत्व, अनुभार बराबर 2 × वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व की वैल्यू कितनी है 30, तो 2 × 30 = 60। अनुभार हमारा कितना आ गया 60। अब हमें निकालना है मूलानुपातिक सूत्र भार। मूलानुपातिक सूत्र हमारा है C1H4O1N2। ठीक है, सबके परमाणु भार की वैल्यू पुट कर दो, C का परमाणु भार है 12 मल्टीप्लाई 1, एच का परमाणु भार है 1 मल्टीप्लाई 4, ओ का परमाणु भार है 16 मल्टीप्लाई 1 प्लस एन का परमाणु भार है 14 मल्टीप्लाई 2। तो ये 12 + 4 + 16 + 28। ठीक है, जब आप निकालोगे तो कितना जाएगा 60। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपका मूलानुपातिक सूत्र भार कितना जाएगा 60। ठीक है, अब एन की वैल्यू निकाल लो, एन इक्वल्स टू अनुभार अपॉन मूलानुपातिक सूत्र भार, अनुभार हमारा 60, मूलानुपातिक सूत्र भार हमारा 60, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। एन की वैल्यू कितनी आ गई 1। एन की ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, अनुसूत्र बराबर मूलानुपातिक सूत्र C1 या मैं सी लिख रही हूं डायरेक्टली H4O1, ऐसे यहां पर 1 हटा रही हूं मैं, 1 आप शो करें या करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, N2 इसकी पावर होल N, N की वैल्यू 1, जब आप 1 से इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू हो जाएंगी, वही C1H4O1N2 सेम वैल्यू हो जाएंगी। तो
अंशसूत्र भी हमारा सेम रहा, जो हमारा मूलानुपाती सूत्र था अंशसूत्र भी हमारा सेम रहा क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पर भी वन है। ठीक है, तो अंशसूत्र हमारा क्या आ गया, CH4ON2, ये हमारा आ गया अंशसूत्र। क्वेश्चन में आपको यौगिक का अंशसूत्र निकालना है और संरचना सूत्र निकालना है। अंशसूत्र तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है संरचना सूत्र। देखिए ये जो आपका CH4ON2 है, इस फॉर्मूले से एक यौगिक बनता है यूरिया। कौन सा यौगिक? यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। क्योंकि इस यौगिक में नाइट्रोजन है और आपको पता है अच्छे से यूजुअली यूरिया में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो 46.66 होता है, ये वेलनोन है। ठीक है, वैसे तो N से बहुत सारे कंपाउंड बन जाएंगे लेकिन जिस यौगिक में 46.66% नाइट्रोजन होता है वो यूरिया होता है और यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CONH2। तो हमें बनानी है इसकी संरचना। पहले हमने इस सूत्र से एक यौगिक बना लिया, दैट इज यूरिया NH2CONH2। अब यूरिया की स्ट्रक्चर NH2, N के साथ में दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, CO, C डबल बॉन्ड O, C के साथ में O डबल बॉन्ड में आएगा, ठीक है, वैलेंसी पूरी करने के लिए, और यहां भी NH2। इस तरह से इसके स्ट्रक्चर हो गई ये। तो ये हमारा हो गया संरचना सूत्र, ये हमारा क्या हो गया संरचना सूत्र। ठीक है, इस तरह से हमने अंशसूत्र भी निकाल लिया और संरचना सूत्र भी। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अंशसूत्र, एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र।